नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज का जो ये ब्लॉग है वो प्रिंस भाई के लिए मैं बना रहा हूं स्पेशल। और प्रिंस भाई एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम चैनल पे कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं तो एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई प्रोग्राम का? स्टूडियो खोलने वाले हैं अब, हम पोर्टफोलियो स्टार्ट करेंगे। तो भाई पोर्टफोलियो कर रहे हैं और वो देखो कोई झांक रहा है वहां से, आपको दिख रहा हूँ बंदा कौन है वो। सर कौन है वो? आइए हम तहे तक पहुंचते हैं भाई। तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह तो लड़कियां छुपाती है। ये देखो एक हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है यहाँ पे, काफी शर्मीला है। क्यों छुपाते हो भाई? हम लड़की तो है नहीं। तो भाई कैमरे खाने नहीं आता यार, उठो एक बार। अरे ये अपना भाई है, मैं कहूँ तो बहुत साल पहले हम भाई से फोटो खिंचवाते थे, लेकिन जो हमारा एक दूसरा दोस्त था वो अकेला लेके भाई को भाग गया और हम फोटो नहीं खिंचवा पाए। याद है भाई? याद है। हाँ याद है, उस टाइम भाई 200 रुपए में फोटो खींचता था। खींचा था भाई। और अब अभी 200 ही है भाई, इतना महंगाई बढ़ गया। तुम तो रेट बढ़ा कर देगा, 200 के 500 कर दो। कब तक हो जाएगा 500? हो जाएगा धीरे-धीरे, आने वाले टाइम में भाई 500 हो जाएगा। तो प्रिंस भाई क्या कुछ करने वाले हो बताओ एक बार हमें। क्या बने? आप पोर्टफोलियो, मैंने सुना आप पोर्टफोलियो स्टार्ट करने वाले हो। हाँ हाँ बताओ यार, पोर्टफोलियो कैसे होगा? हम एक स्टूडियो बनाने वाले हैं अपना, इंडोर शूट करेंगे, उसमें तरह तरह के डिफरेंट लोकेशन रहेगी, हमारी बैकग्राउंड नहीं रहेंगे और उसमें कुछ एक्सेसरी रहेगी, उसके साथ हम कुछ नया देने वाले हैं। तो आपने कुछ अभी इसके ऊपर कुछ प्लान बनाया कि हम कैसा फोटो करेंगे? क्योंकि पोर्टफोलियो तो बहुत लोग करते हैं पानीपत में, आप क्या अलग करोगे? सर डिफरेंट ही देंगे, आप हमारे पास आओ फिर देखते हैं। तो सर जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाता हूँ तो वहाँ जाता हूँ तो सबसे पहले मैं खा के टेस्ट करता हूँ कि सच में स्वाद है कि नहीं। तो वैसे ही जब आप पोर्टफोलियो स्टार्ट करोगे तो मैं खुद भी खिंचवा के देखूंगा सर, कि आपके जो फोटोज है उसमें कुछ दम है कि आप भी जो और लोग करते हैं वैसा करोगे। बिल्कुल सर, आपके लिए एनी टाइम एनी टाइम। तो सर क्या कुछ चार्ज लोगे ये भी तो बताओ। सर चार्ज अभी नहीं बता सकते, अभी स्टार्ट करने के बाद ही बताएंगे। तो पर फोटो कुछ आपने अभी सोचा है? वैसे नॉर्मल 1000 रुपए से स्टार्ट ही करेंगे सर। 1000 रुपए से? तो इसमें 1000 रुपए में क्या कुछ दोगे आप? सर 20 पिक होंगी विदाउट विद क्रिएटिव शूट 6 एडिट। 20 पिक 1000 रुपए में? हाँ जी भाई। सब बचाओगे क्या? पोर्टफोलियो तो यार बहुत महंगी होती है, लोग 2000 रुपए लेते हैं पोर्टफोलियो फोटो करने के लिए। पोर्टफोलियो का मतलब तो सबसे पहले ये होता है कि पोर्टफोलियो हम किस चीज में यूज करते हैं, हम किसी भी प्रोफाइल को चाहे किसी एक्टिंग क्लास में हम पोर्टफोलियो, जैसे हमें किसी का प्रोडक्शन हाउस में जाना होता है तो वो पोर्टफोलियो। जैसे आपका दोस्त है नितिन, क्या नाम था, वो एक फोटो अभी तो पोर्टफोलियो ज्वेलरी की पैसे लेता है 2500 लेता है, वो एक फोटो के लेता है कम से कम 1000 रुपए और जब से 25 फोटो खींचते हैं ज्यादा ही दे रहा। अच्छी बात है कि लोगों को अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉग बनाया था खाने का रेस्टोरेंट का, तो उन्होंने नई शुरुआत की थी तो इसी वजह से वो सस्ता कर रहे थे। तो आप भी नया शुरुआत करो पोर्टफोलियो, इस वजह से सस्ता तो नहीं कर रहे हो। सर पानीपत में इतनी कंपटीशन हो चुका, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। लोग 100 रुपए में पोर्टफोलियो करके दे रहे हैं। 100 रुपए में पोर्टफोलियो? कितनी फोटो भाई? 20 फोटो दे रहे हैं पोर्टफोलियो करके। लेकिन ये क्या हो रहा है तिवारी जी? वो पोर्टफोलियो नहीं है उनका, मैं सच बताऊं तो उनको जो वो चूत है ना, मैं नहीं वो चूतिया फोलियो हो सकता है, पोर्टफोलियो हो नहीं सकता क्योंकि अच्छी फोटो यदि तुम्हें चाहिए अच्छे पैसे तो लगेंगे। और भाई वो कौन है 100 रुपए में जो खींचते हैं भाई, प्लीज कमेंट में अपना नाम जरूर बताना, मैं खिंचवाऊंगा यार, वैसे फोटो का बहुत शौक है मुझे। अरे आपके नॉर्मल में ऐसा बंदा हो जो चुतियापा करता हो, चुतिया बोलो फोटो करता हो तो उसके नाम जरूर लिखना है। पानीपत में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे भी हमारे दोस्त हैं जो फोटोग्राफी करते हैं, जैसे प्रिंस भाई भी है, मैंने फोटो अब तक खिंचवाई नहीं है लेकिन देखी है काफी अच्छा करते हैं। और ये भाई देखिए, ये भाई बहुत साल पहले से करता है और अच्छा काम करता है, उस टाइम बिलर का जमाना था तो सब बिलर मांगते थे। तो भाई जब आप किसी की फोटो खींचने जाते थे तो लोग क्या कहते थे, कैसी फोटो चाहिए उन्हें, उनकी मतलब डिमांड क्या होती थी, पोज चाहिए कि बिलर चाहिए, फोटो अच्छी चाहिए, फोटो अच्छी चाहिए। और अगर आप किसी का बिलर फोटो खींचते थे तब से मजा आ जाता था, तो सोने पे सुहागा हो जाता था जब ब्लर फोटो होती थी। तो प्रिंस जी कब तक ये शुरू कर देंगे आप? सर मैं 5 डे से कर दूंगा। 5 डे? 5 दिन बाद आप शुरू कर दो? ये स्टार्ट। तो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे लोग आपसे? सर कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा अपना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम आईडी बता दो अपना, ऑफिशियल प्रिंस दीमान, ऑफिशियल प्रिंस दीमान है भाई का जो इंस्टाग्राम आईडी है। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि फोटो के पीछे मत भागना, फोटो की क्वालिटी को देखना और जैसे तो आपको अच्छा लगे हमारे पास आना, नहीं तो। और भाई आप भी बता दो तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी, भाई को भी फॉलो करना, भाई इंस्टाग्राम चलता है, क्या आईडी करना है? सर 7070। दोबारा बोलो।
मिस्टर डेविस नहीं है और बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी, तो इन्हें फॉलो करना। और भाई मेरे को भी बोलो, मेरे को भी फॉलो वॉलो कर लेंगे थोड़ा नया सर को भी फॉलो कर जी कर लेना, नया चैनल है सपोर्ट करो, इसी प्रकार प्यार बनाए रखो। और ठीक है नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको डिटेल में पूरी बातें बताएंगे, तब तक के लिए जय। भाई का पहला जो कवर सॉन्ग आने वाला है पहला ही है ना भाई, तो पूरा प्यार देना, पूरा सपोर्ट करना और फैला देना वीडियो को भाई की, और हम पूरा सपोर्ट करेंगे भाई प्रिंस तुम्हें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।